नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गर्ग, चेयरमैन न्यूरोलॉजी मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक डे जो है 29 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओवर। स्ट्रोक क्या है, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या हैं, उसको कैसे पहचाना जा सकता है, और जब स्ट्रोक के सिम्टम्स को पहचानते हैं तो कैसे उसको रिएक्ट करना है, कैसे उसको ट्रीट करते हैं, इन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्ट्रोक के बारे में बात करने के पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रोक क्या है। तो स्ट्रोक दो तरह का होता है। एक तो ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि स्ट्रोक का मतलब हार्ट अटैक से है या मिर्गी का दौरा भी स्ट्रोक है। नहीं, स्ट्रोक है जब ब्रेन में किसी भी हिस्से के ब्रेन के किसी भी हिस्से में ब्लड सप्लाई का इंटरप्शन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। उसके कारण से जो सिम्टम होते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। ये ब्लड सप्लाई का जो इंटरप्शन होता है वो दो तरह से होता है। एक तो जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल होती है, ब्लड वेसल जिसको नालियां बोलते हैं, खून की नालियां, उसके अंदर यदि कभी कोई क्लॉट बन जाता है, वो क्लॉट बन के उस खून की नाली को ब्लॉक कर देगा। जब खून की नाली ब्लॉक हो जाएगी तो जिस एरिया में वो ब्लड सप्लाई कर रही है वो एरिया सूखने लग जाता है। इमीडिएट जैसे खून बंद हुआ वैसे ही उसके न्यूरॉन्स, उसके सेल्स सूखने लग जाते हैं। सेकंड्स के अंदर मिलियंस, लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं वो सूखने लग जाते हैं और बहुत तेजी से सूखते हैं। तो इसको बोलते हैं हम इस्कीमिक स्ट्रोक। दूसरा सिचुएशन होता है जहां पे कि खून की नली में रप्चर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत तेज बढ़ा और खून की नली फूट गई, उस एरिया में पानी भर गया। जैसे किसी खेत के अंदर पानी भर जाएंगे तो पौधे मुरझा जाएंगे, उसी तरह से ब्रेन के सेल्स के अंदर खून भर जाएगा तो ब्रेन की सेल्स मुरझाने लग जाएंगी, तेजी से मुरझाने लग जाएंगी। तो इसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। अब हेमरेजिक स्ट्रोक ब्लड प्रेशर से भी हो सकता है और हेमरेजिक स्ट्रोक कभी कभी खून की नलियों में कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, जैसे कि गुब्बारा बन गया खून की नली फूल के, जहां पे जैसे गुब्बारे में आप देखते हैं कि कहीं पे पतली उसकी झिल्ली है तो वहां से अलग से एक गुब्बारे के अंदर फूल जाता है, उसी तरह से ब्लड वेसल के अंदर भी यदि वो गुब्बारा बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं एन्यूरिज्म। वहां पे ब्लड वेसल की वॉल जो है वो कमजोर होती है और वो कभी भी फूट सकती है, उसके कारण से होता है सब अरेक्नॉइड हेमरेज। और तीसरी सिचुएशन होती है जहां पे कि कभी कभी एबनॉर्मल खून का गुच्छा होता है जिसको बोलते हैं आर्टीरियो वीनस मालफॉर्मेशन, जहां पे कि वीनस एंड आर्टीरियल ब्लड वेसल्स जो होती हैं, एक गंदा खून ले जाने वाली और एक अच्छा खून सप्लाई करने वाली, उनके बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाते हैं, उसके कारण से भी इस तरह के हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकते हैं। तो ये दो सिचुएशन है जहां पे कि इस्केमिक एंड हेमरेजिक दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ये हो गया स्ट्रोक की बात। अब बात करते हैं कि स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो रिस्क फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो जो कॉमन रिस्क फैक्टर हैं उसमें सबसे पहला डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, सेडेंटरी हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रोक करते हैं दोनों तरह के, इस्केमिक भी हेमरेजिक भी। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोलेबल नहीं होते, रिवर्सिबल नहीं होते, जैसे कि आपका हेरिडिटरी, आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी एक रिस्क बन जाता है कि आपको स्ट्रोक हो सकता है। यदि आप इंडियन है, एशियन है तो आपको स्ट्रोक का रिस्क ज्यादा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि यदि किसी को स्ट्रोक है तो कैसे उसको पहचाने कि स्ट्रोक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने टाइम से स्ट्रोक को पहचान लिया तो उसका आप रिवर्स कर सकते हो, उसके ब्रेन को आप बचा सकते हो, ब्रेन को साल्वेज कर सकते हो यदि आपने टाइम से स्ट्रोक को पहचान लिया। तो कॉमनली एक टर्म यूज होती है ऑल ओवर वर्ल्ड जिसको बोलते हैं बी फास्ट, BEFAST। तो बी का मतलब है कि बैलेंस, यदि किसी को अचानक लड़खड़ाहट होने लग जाती है। ई का मतलब है आई प्रॉब्लम, यदि किसी को अचानक देखने में दिक्कत होने लगती है अचानक। एफ का मतलब है फेस, किसी का फेस अचानक टेढ़ा हो जाता है। ए का मतलब है आम, किसी का आम लटक जाता है, ड्रिफ्ट हो जाती है उसके अंदर। एस मतलब बोलने में दिक्कत आती है, स्पीच प्रॉब्लम, एस स्पीच प्रॉब्लम, बोलने में दिक्कत आती है। तो टी, इस सिचुएशन में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बी फास्ट का मतलब है कि यदि किसी को इस तरह के सिम्टम हो रहे हैं तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमीडिएट आपको अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। तो अब वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे हम क्या समझना चाहते हैं, हमारे को क्या अपनी लाइफ के अंदर अडेप्ट करना है। हमने ये देखा कि यदि हम स्वस्थ रहते हैं, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा ब्रेन स्वस्थ है। हमारे को ब्रेन को स्वस्थ रखना है तो हमारे को शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है तो एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, खाने के अंदर ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खाएंगे, बहुत मीठा नहीं खाएंगे,
और यदि ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल रखेंगे, डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल रखेंगे, एब्डोमिनल फैट को रिड्यूस करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग, और स्वस्थ शरीर के लिए खान पान बढ़िया होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस खाना पीना चाहिए।